नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम टेस्टिंग मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसा कि पिछली वीडियो में हम टेस्टिंग और कुछ जो इंटरनेशनल संगठन हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन सभी के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उनकी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। टेस्ट मेथड, ए डिफिनिटिव प्रोसीजर फॉर द आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन ऑफ वन और मोर क्वालिटीज, करेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल, प्रोडक्ट, सिस्टम और सर्विस दैट प्रोसीजर ए टेस्ट रिजल्ट। जो हमारा जो जब हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका हम उसकी पहचान करते हैं, ये हमारा किस मटेरियल का बना हुआ है, और उसकी मेज़रमेंट करते हैं। जैसे हम बेसिकली जो टेस्ट करते हैं उसमें हम प्रोडक्ट का मटेरियल देखते हैं, ये हमारा किस मटेरियल, और उसके फिज़िकल प्रॉपर्टी देखते हैं, और उसकी क्वालिटी देखते हैं, ये हमारा किस क्वालिटी का है, और इसका कैरेक्टर कैसा है, प्रॉपर्टीज की कैसी हैं मटेरियल प्रोडक्ट, और उसके बाद जो हम फाइनल रिज़ल्ट देते हैं वो हमारा क्या है, टेस्ट मेथड है, कि हम उसको किस टाइप से हम उसका टेस्ट करके हम फाइनल रिज़ल्ट देते हैं। जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट है वही हमारा वो होगा टेस्ट मेथड, यानी हम किस मेथड के थ्रू हम इसका फाइनल रिज़ल्ट दे रहे हैं। टेस्ट डाटा हेल्प, जो टेस्ट करने के बाद वो डाटा हमारी किस चीज़ के लिए हेल्प करती है, टू डिटरमाइन द सूटेबिलिटी ऑफ प्लास्टिक फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर क्वालिटी कंट्रोल पर्पज़ और टू ऑब्टेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर देयर बिहेवियर एंड अंडर वेरियस कंडीशन। जो उसका क्वालिटी कंट्रोल है वो हमारा उसके कुछ कंडीशन हैं जो बिहेवियर हैं उसके, वो नीचे दर्शाए गए हैं कि वो उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है या उसमें क्या क्या क्वालिटी रहनी चाहिए। जैसे कोई कोई प्लास्टिक होती है जो हानिकारक होती है, जिसमें मान लीजिए अगर कोई प्लास्टिक या बॉटल बना रहे हैं अगर वो हानिकारक है तो उसमें जो हम जल डालेंगे वो बाद में कोई भी अगर उसको पिएगा तो उसको भी हानि पहुंचाएगी, तो उस पर्पज़ से। अब द फिज़िकल प्रॉपर्टी डाटा ऑब्टेन बाय टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड फेल्योर एनालिसिस। जो फिज़िकल प्रॉपर्टी में जो उसकी डिज़ाइन है, उसके प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, और कभी कभी जो प्रोडक्ट हमारा बनाते हुए ख़राब हो जाता है या वो प्रोडक्ट हमारा फेल हो जाता है या टेस्टिंग मेथड में हमारा वो प्रोडक्ट फेल हो जाता है, तो उसकी एनालिसिस करते हैं। द टेस्ट डाटा आर रिक्वायर्ड टू प्रमोट फॉर यूज़ ऑफ प्लास्टिक। और टेस्ट करने के बाद हम उसको, जैसे जब हम उसके बारे में व्यक्त करेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारा इतना अच्छा है, इसकी गुणवत्ता ये है, तो उससे हम उसको एक तरह से प्रमोट करते हैं कि इसके अंदर ये क्वालिटी है। टेस्टिंग फीडबैक हेल्प द एड इम्प्रूव डिज़ाइन और क्वालिटीज। और टेस्टिंग के द्वारा हम उसकी डिज़ाइन को, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम टेस्ट करके उसका फाइनल रिजल्ट देते हैं या अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो उसके थ्रू हम उसकी डिज़ाइन को या उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, क्वालिटी कंट्रोल डाटा आर यूजफुल फॉर फाइंडिंग सूटेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल डिज़ाइन प्रोडक्ट एंड क्वालिटी। जो जैसा कि इससे नाम से ही पता चलता है क्वालिटी कंट्रोल, तो इसके थ्रू हम इसकी क्वालिटी को, मटेरियल डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट क्वालिटीज़, इसको हम इम्प्रूव करेंगे या इसकी टेस्टिंग करेंगे।
इट कैरीज आउट द एक्चुअल टेस्ट, ये इसका एक्चुअल टेस्ट है। मेक अस टेस्ट प्लानिंग एंड टेस्ट डाटा प्रोसेसिंग, जो इसके डाटा को आगे प्रोसेस कराता है। द डाटा प्रोसेसिंग हेल्प इन द चेक प्रोडक्टिबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, फिर इसके द्वारा हम फाइनल रिजल्ट देते हैं जो एक्यूरेट रिजल्ट होता है। स्टैंडर्ड मेथड टेस्ट, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ टेस्टिंग आर रिक्वायर्ड फॉर इवेल्युएशन। बेसिक प्लास्टिक मॉलिक्यूल फॉर्म लेबोरेटरी लेवल टू द रेजिन द प्रोडक्ट, इट हेल्प द प्रोडक्ट रिलेबिलिटी लेबोरेटरी रजिस्ट्रेशन, तो इसके थ्रू ये सब प्रोसेस होती हैं। रीज़न फॉर टेस्टिंग, हम टेस्टिंग क्यों करते हैं? टू इंश्योर इनकमिंग रॉ मटेरियल आर एक्सेप्टेबल आर कंसिस्टेंट क्वालिटी, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हमारा अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। प्रोडक्ट ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज, जो हमारा सेमी फिनिश प्रोडक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग आर ऑफ एन एक्सेप्टेबल आर कंसिस्टेंट क्वालिटी, जो हमारा सेमी फिनिश प्रोडक्ट है वो हमारा एक्सेप्टेबल है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए इसका टेस्ट करते हैं। द एंड प्रोडक्ट, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ओवरऑल प्रोसेस इज कंसिस्टेंट एंड एक्सेप्टेबल क्वालिटी, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा एक्सेप्टेबल है या नहीं, उसकी टेस्ट करते हैं। टू इवेल्युएट न्यू आर कंपिटिटिव मटेरियल और मॉडिफिकेशन टू ए प्रोसेस, जो हमारा पैरेलल मटेरियल है या जो हमारा अदर मटेरियल है उसके तुलना में ये सही है या नहीं है, उसके लिए इसका टेस्ट करें। द फिटनेस फॉर पर्पज ऑफ ए मटेरियल प्रोसेस आर प्रोडक्ट, थर्ड नंबर टू ऑब्टेन अर्ली एविडेंस ऑफ चेंज टेकिंग प्लेस इन ए प्रोसेस टू प्रूव अब डिज़ाइन एक्सेप्टेबल सॉरी एक्सेप्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी। द फॉलोइंग आर मेजर टाइप ऑफ टेस्टिंग, ये हमारे कुछ मुख्य टेस्टिंग के प्रकार हैं। पहला है एनालिटिकल टेस्टिंग, सेकेंड नंबर पे है हमारा मटेरियल करेक्टराइजेशन टेस्ट, थर्ड नंबर मटेरियल प्रॉपर्टी टेस्ट एंड प्रोडक्ट टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं, पहला हमारा है जो एनालिटिकल टेस्ट, आज एक के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम बाकी सब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर पूरा करने लगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एनालिटिकल टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर टेस्ट, जो एनालिटिकल टेस्ट है वो हमारा किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? क्वालिटी कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, इन सब के लिए ये हमारा एनालिटिकल टेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मेजर एनालिटिकल टेस्ट, ये हमारा किस चीज़ के लिए है? डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या है हमारा? जैसे कोई कोई मटेरियल हमारा कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है, ये उसके लिए किया जाता है। मॉइस्चर एनालिसिस, जो हमारी जो ये क्या बोलते हैं सॉरी ये जो मॉइस्चर होता है, जैसे हमारी नमी, वायु में जो हमारी नमी होती है वो उसको कितना सोखती है या उसको कितना अवशोषित करती है। सेव एनालिसिस, इतना टेस्ट हम इससे करते हैं। मटेरियल कैरेक्टराइजेशन टेस्ट, ये हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें या आप डिसलाइक भी कर सकते हैं कि मटेरियल आपको कितना समझ में आया। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।